जय बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की जय। तो मित्रों, ज्योतिष विद्या द्वारा बता दूंगा कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका के T20 वर्ल्ड कप महामुकाबले में आखिरकार किस खिलाड़ी का शुभ योग बन रहा है, किस खिलाड़ी का अशुभ योग बन रहा है, कौन खिलाड़ी ग्रीन जोन पर जा रहा है, कौन खिलाड़ी रेड जोन पर जा रहा है, किस खिलाड़ी का भाग्य चमकने वाला है, ये पूरी जानकारी आपको ज्योतिष आंकड़े के द्वारा बताने वाले हैं। और दोस्तों, आप लोगों को किस प्रकार से करोड़ों रुपये आप विन कर सकते हैं, किस प्रकार से आपकी फर्स्ट रैंक आ सकती है। ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों श्रीलंका का ये महामुकाबला, ऑस्ट्रेलिया अपना पहला मुकाबला बल्कि श्रीलंका अपना सेकंड महामुकाबला खेलने जा रही है। आखिरकार दोस्तों, आप लोगों को मात्र 49 रुपये लगाना है और फर्स्ट विजेता के रूप में 1 करोड़, वही सेकंड विजेता के रूप में 15 लाख, वही थर्ड विजेता के रूप में आप लोग 5 लाख रुपये विन कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, और चलते फटाफट आप लोगों को बताने वाले कि आप लोग इस कैसा कर पाएंगे। तो आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि आप लोग विकेट कीपर सेक्शन से किस खिलाड़ी को लेकर के जाएं, बैटिंग सेक्शन से किस खिलाड़ी को लेकर के जाएंगे, ऑलराउंडर सेक्शन से किस खिलाड़ी को लेकर के जाना है और बॉलिंग सेक्शन से किस खिलाड़ी को लेकर के जाना है। ये पूरी जानकारी आपको ज्योतिष आंकड़े के द्वारा और बागेश्वर धाम के आशीर्वाद से मिलने वाली है। तो आओ चलते हैं दोस्तों, हम आपको बताने वाले कि आज किस खिलाड़ी के ऊपर स्टार चमक रहे हैं, किस खिलाड़ी के सामने राहु और केतु का साया है, किस खिलाड़ी के सामने शनि कुंडली मार करके बैठ चुका है, ये पूरी जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। तो जहां आज के मैच की बात कर लेते हैं, वीरा और शाहनाम वृषभ राव तुला राशि और कुंभ राशि के खिलाड़ियों के सामने राहु और केतु का साया हट चुका है और जो शनि कुंडली मार करके बैठा था वो भी डल हो चुका है, तो इन राशि के खिलाड़ियों को लेकर के जाना है। वहीं मिथुन राशि के खिलाड़ियों को भी लेकर के जाया जा सकता है, मिथुन राशि के खिलाड़ियों को भी लेकर के जाना है। वहीं बा नाम की बात कर लेते हैं, बा नाम के खिलाड़ी की बात कर लेते हैं, तो बा नाम के खिलाड़ी को बिल्कुल आज के मैच में ड्रॉप करके जाया जा सकता है। अब दोस्तों यहां पर पूरी जानकारी मिल चुकी है, अब दोस्तों बताने वाले हैं किन खिलाड़ियों के ऊपर स्टार चमक रहे हैं। यहां पर ला नाम के खिलाड़ी के ऊपर स्टार चमक रहे हैं, देखिएगा जो मेख राशि का जातक है, ला नाम का खिलाड़ी उसके ऊपर स्टार चमक रहे हैं। वहीं ढा नाम का खिलाड़ी दोस्तों को बिल्कुल ड्रॉप करके जाना है। वहीं बात कर लेते हैं रा नाम के खिलाड़ी की, तो रा नाम का खिलाड़ी आज के मैच में गेम चेंजर साबित हो सकता है, रा नाम के खिलाड़ी को लेकर के जाया जा सकता है। वहीं अगर बात कर लेते हैं मा और शाह नाम के खिलाड़ी की, सिंह राशि और कुंभ राशि के खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं, तो सिंह राशि के खिलाड़ी के ऊपर स्टार चमक रहे हैं और पहली पारी में इसका शुभ योग बन रहा है। वहीं कुंभ राशि के खिलाड़ी के ऊपर स्टार चमक रहे हैं, इसका अशुभ योग दोस्तों सेकेंड पारी में बन रहा है। वहीं बात कर लेते हैं रा नाम के खिलाड़ी की, तो रा नाम के खिलाड़ी के ऊपर भी स्टार चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं बात कर लेते हैं शाह और आ नाम की बात कर लेते हैं, तो शाह नाम का दोस्तों खिलाड़ी और आ नाम के खिलाड़ी की बात कर लेते हैं, तो शाह और आ नाम के खिलाड़ी की अगर बात कर लेते हैं, तो शाह नाम का खिलाड़ी कुंभ राशि का, आ नाम का खिलाड़ी मेघ राशि का जातक है। और दोस्तों वहीं जा और पा नाम की बात कर लेते हैं, तो जा नाम का खिलाड़ी मकर राशि और पा नाम का खिलाड़ी कन्या राशि का जातक है। इन खिलाड़ियों के ऊपर दोस्तों स्टार चमक रहे हैं और ये खिलाड़ी, जा नाम का खिलाड़ी पहले पारी में, वहीं पा नाम का खिलाड़ी सेकेंड पारी में सुंदर योग बना रहा है। ये संपूर्ण जानकारी आपको ज्योतिष आंकड़े के द्वारा और बागेश्वर धाम के आशीर्वाद से मिल रही, तो आप लोग फटाफट जाएंगे और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय बालाजी महाराज, जय सन्यासी बाबा, जय दादा गुरु जी महाराज लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, आपकी मनोकामना 100% पूरी होने वाली है। तो आओ चलते फटाफट मैच का स्टेटस देख लेते हैं। तो मैच के स्टेटस में आप लोग देख सकते हैं, रिसेंट 5 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 5 के 5 मुकाबला विन किया, वहीं श्रीलंका ने मात्र 3 महामुकाबला विन किया है। वहीं दोस्तों ये मैच शारजाह क्रिकेट स्टेडियम शारजाह यूनाइटेड अरब अमीरात पर खेला जाना है। पिच दोस्तों बैलेंस है, बेहतरीन स्पिनर के लिए मददगार है और मौसम भी बहुत साफ रहने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। औसत रन की बात कर लेते हैं, तो औसत रन दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 120 रन बताया जा रहा है। कुल विकेट 62 गिरे हैं, जहां पेसर्स को 14, वहीं दोस्तों स्पिनर को 48 विकेट मिलते हुए दिखाई देते हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड में 5 मैच खेले जा चुके हैं, 5 के 5 मैच दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने विन किया है, श्रीलंका ने एक भी महामुकाबला विन नहीं किया। इस लिहाज से देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का पल्ला बहुत ही भारी दिखाई देता नजर आता है। अब हम लोग लास्ट 5 T20 इंटरनेशनल मैच
को आधार बना करके बात करने वाले हैं, किस खिलाड़ी के कितने पॉइंट है, कितने परसेंट ड्रीम टीम पर आया और कितने रन बनाया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जे विराम 427 पॉइंट के साथ टॉप पर है, वहीं ए गार्नर 378 पॉइंट के साथ दूसरे स्थान पर, वहीं एस मोली नेक्स है दोस्तों यहाँ पर 246 पॉइंट के साथ तीसरे स्थान पर विराजमान है। वहीं दोस्तों श्रीलंका की चाहता पट्टू है, चमीरा आता पट्टू है 700 पॉइंट के साथ टॉप पर, वहीं हाथ मधवी सवरकुमार 355 पॉइंट के साथ दूसरे स्थान पर, वहीं का दिलहरी 323 पॉइंट के साथ तीसरे स्थान पर विराजमान है। अगर ड्रीम टीम की बात कर लेते तो जे बेरहम, ए गार्नर और दोस्तों का गर्थ तीनों ही दोस्तों टॉप बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया की तीनों ही 100% ड्रीम टीम पर आई है। वहीं श्रीलंका की दो टॉप बल्लेबाज चाहता पट्टी और उप्रभानी दोस्तों ये दोस्तों 100% आई हैं, बल्कि का दिलहरी कविता दिलहरी 80% ड्रीम टीम पर आई हैं। रन के मामले में बात कर लेते हैं तो रन के मामले में ए हीली और दोस्तों 127 रन बनाकर के टॉप पर, वहीं जब एराम 122 रन बनाकर के दूसरे स्थान पर विराजमान है, वहीं ता मैग्रेथ 117 रन बनाकर के तीसरे स्थान पर भी विराजमान है। वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों चाहता पट्टू 298 रन बनाकर के टॉप पर, वहीं हा मधवी समर विक्रमा 239 रन बनाकर के दूसरे स्थान पर, वहीं कविता दिलहरी 130 रन बनाकर के तीसरे स्थान पर विराजमान है। अगर हम बॉलिंग की बात कर लेते हैं किस बॉलर ने सबसे अधिक विकेट लिए तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ए गार्नर है 8 विकेट के साथ टॉप पर, जे विराम 7 विकेट के साथ दूसरे स्थान पर, वहीं एस मोली नेक्स है दोस्तों 6 विकेट के साथ तीसरे स्थान पर विराजमान है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं श्रीलंका की उप्रभानी 7 विकेट के साथ टॉप पर, वहीं चाहता पट्टू 5 विकेट के साथ दूसरे स्थान पर, वहीं कविता दिलहरी 5 विकेट के साथ तीसरे स्थान पर विराजमान है। और चलते फटाफट दोस्तों यहाँ पर बैटिंग ऑर्डर के विषय में जानकारी कर लेते हैं तो बैटिंग ऑर्डर के विषय में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के ए हीली और बी मुनी दोस्तों ओपनिंग करने वाली हैं और दोस्तों जे विराम फर्स्ट डाउन बैटिंग करने वाली हैं, वहीं श्रीलंका की वी राजपक्षे और चाहता पट्टू ओपनिंग करने वाली, हा मधवी समर विक्रमा दोस्तों यहां पर फर्स्ट बैटिंग करने वाली हैं। अब दोस्तों ये भी बात करने वाले हैं कि आखिरकार दोस्तों आप लोगों को ये भी बताने वाले हैं कि दोस्तों आप लोग कहाँ कहाँ गलती करते हैं और आपकी रैंक आते आते रुक जाती है। सबसे पहली गलती आप लोग सिलेक्शन परसेंट को लेकर के करते हैं, हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंट के खिलाड़ियों को ले जाते हैं, जिनका सिलेक्शन 70 के ऊपर होता उन खिलाड़ियों को ले जाते और आप लोग अपने मन में सोचते हैं कि आज हमने बहुत ही अच्छी टीम बनाई है। आप लोगों को ऐसा नहीं करना, आप लोगों को किस प्रकार के अनुपात बनाना है 5:3:3 का, अर्थात हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंट के 3 खिलाड़ी, यूरेज के 3 और लोएस्ट सिलेक्शन परसेंट के 3 खिलाड़ियों को लेकर के टीम बनानी है। हाईएस्ट का मतलब जिसका सिलेक्शन परसेंट 70+ हो और यूरेज का मतलब 30-70 के बीच और लोएस्ट का मतलब 30 से नीचे, इस प्रकार से आप लोगों को टीम बनानी है। अब यहाँ दोस्तों टीम तो बन चुकी है, आप लोग देख सकते हैं टीम बन चुकी है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं दूसरी गलती करते हैं आप लोग पिच पर, पिच को नहीं समझते कि पिच कैसा बिहेव करने वाली है। पिच आप लोग जानते होंगे पिच 3 प्रकार की होती है, पहली पिच बैटिंग पिच, दूसरी बॉलिंग पिच, तीसरी होती है बैलेंस पिच। यहाँ पर यह पिच दोस्तों बैलेंस पिच है और दोस्तों स्पिन के लिए मददगार है। बॉलिंग पिच भी दो प्रकार की होती है, एक होती है पेसर्स को मददगार, दूसरी होती है स्पिनर को मददगार, ये स्पिन के लिए मददगार। तो आप लोगों को इस प्रकार ये बातें भी ध्यान रखनी है। तीसरी जो गलती करते हैं आप लोग, तीसरी गलती करते हैं टॉस पर, टॉस पर गलती नहीं करते। कोई भी टीम टॉस विन करने के बाद पहले बैटिंग लेती है तो इसका मतलब है पिच बैटिंग के लिए अनुकूल है। अगर कोई भी टीम टॉस विन करने के बाद पहले बॉलिंग लेती है इसका मतलब है पिच बॉलिंग के लिए अनुकूल है। तो आप लोगों को ये भी ध्यान देना है। चौथी गलती जो बहुत बड़ी गलती करते हैं आप लोग, कप्तान उपकप्तान बनाने में। आप लोग हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंट के खिलाड़ियों को केवल कप्तान उपकप्तान बना देते हैं, ये आपकी बहुत बड़ी गलती होती है। 99% लोगों की भीड़ पर आप फंस जाते हैं। आप लोगों को किस प्रकार से कप्तान बना है, किस प्रकार से उपकप्तान बनाना है, वो पूरा कॉम्बिनेशन हम आपको समझने वाले हैं एक डेमो टीम बना करके। ये दोस्तों हमारी फाइनल टीम नहीं होगी, डेमो टीम है। फाइनल टीम आपको टॉस होने के 10 मिनट बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पर दोस्तों हम क्या करते हैं, बीमोनी और हीली को, ए हीली और ए संजीवनी को लेकर के जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम क्या करें, ई फरी को ड्राप कर देते हैं, एच मधवी समर विक्रमा को ले लेते हैं और दोस्तों वीराज गुरुरत्ने एच परेरा इनको ड्राप कर देते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में सियाता पट्टू, ए गार्नर, जी विराम के दिलहरी को ले लेते हैं। बालिक सेक्शन पर भी दोस्तों हमें क्या करता, आई प्रदर्शनी है दोस्तों यहाँ पर और भी देख लेते हैं, एस निशाला है। हम दोस्तों इस बार आई प्रदर्शनी के साथ जाते हैं और एस मोलिनेक्स को, यू प्रभानी है, एस कुमारी, यू
संजू प्रभानी और एम सुट्टू को लेकर के और एस मोलिनेक्स को लेकर के टीम को आगे बढ़ा देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को हम दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से हाईएस्ट सिलेक्शन परसेंट के खिलाड़ी टॉप पर हैं। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों सी आत्तापट्टू को, चमीरा आत्तापट्टू को जहाँ लगभग 41% लोग कप्तान बनाना चाहते हैं, वहीं 19% लोग वाइस कैप्टन बनाना चाहते हैं। बल्कि एक गार्डनर को 28-29% तकरीबन वाइस कैप्टन बनाना चाहते हैं, 18% लोग कप्तान बनाना चाहते हैं। क्या आप भी दोस्तों इसी भीड़ पर फंसना चाहते हैं? अगर दोस्तों आप लोग भी इसी भीड़ पर फंसना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, पर दोस्तों आप लोगों की ये भीड़ बहुत कठिन हो जाएगी। आज दोस्तों हम क्या करते हैं, ए हीली को वाइस कैप्टन बनाते हैं और गार्डनर को दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं, गार्डनर हैं तो गार्डनर को कप्तान बना करके टीम को क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। आप लोग देख सकते हैं हमारी टीम सेव हो चुकी है, आप लोगों को बिल्कुल दिखाएंगे। जहाँ ऑस्ट्रेलिया के 5 खिलाड़ी, वहीं पर दोस्तों श्रीलंका के 6 खिलाड़ियों को लेकर के टीम बनाई है। ए गार्डनर को कप्तान, वहीं ए हीली को वाइस कैप्टन बनाया है। तो दोस्तों आप लोग बताएंगे हमारी टीम कैसी लगी और हमारी ये वीडियो कैसी लगी। टीम और वीडियो से संतुष्ट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइएगा। जय दादा गुरुजी महाराज, जय सन्यासी बाबा, जय 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 बालाजी सरकार, जरूर लिख दीजिए, आपकी मनोकामना पूरी होगी। अगर दोस्तों आप लोग हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारा नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, मिलते किसी अन्य इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक लेटा टाटा बाय बाय।